करीब 7 महीने पहले देश में दस्तक देने वाला कोरोना, साथ में चीन से जंग, तूफान, टिड्डियां, भूकंप, इन सब के बाद अब भारत में आ रहा है त्योहारों का सीजन। पूरे साल का वो समय जिसका भारतीय बेसब्री से इंतजार करते हैं। राखी से शुरू होकर ये त्योहार दिवाली तक चलते हैं और उसके बाद आता है बड़ा दिन और फिर नया साल, जिसका है सबको बेसब्री से इंतजार। लेकिन इन त्योहारों में जो सबसे ज्यादा रौनक रहती है वो होती है चीनी सामान की। लेकिन साल 2020 में नहीं, इस साल के त्योहारों पर देश भारतीय सामान से जगमगाएगा। चीन से आया कोई भी सामान इस साल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। व्यापारियों के शीर्ष संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने साल 2020 के त्योहारों को खास बनाने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। दावा किया है आने वाला हर पर्व त्योहार पूर्ण रूप से भारतीय होगा, यानी कि इन सब त्योहारों में चीनी सामान का पूरी तरह से बहिष्कार होगा और बाजार में भारत के उत्पाद प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होंगे। अगस्त से नवंबर तक के सीजन में राखी, जन्माष्टमी, गणेशोत्सव, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, धनतेरस, दिवाली, भैया दूज, छठ और तुलसी विवाह मनाया जाता है। इन त्योहारों पर भारत के उत्पाद आसानी से उपलब्ध हो, इसके लिए कैट ने तैयारी शुरू कर दी है। कैट के मुताबिक इन त्योहारों को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी जारी है, जो कि 11 जुलाई तक पूरी हो जाएगी। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरती और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल के मुताबिक संगठन ने देश के सभी प्रदेशों में काम कर रही कैट की राज्य स्तरीय टीम और अन्य प्रमुख व्यापारी संगठनों को भारतीय सामान बनाने वाले निर्माता, कारीगर, लघु उद्योग, कुम्हार, महिला उद्यमी, स्वयं उद्यमी, स्टार्टअप आदि की एक सूची तैयार करने के लिए कहा है। पता करने के लिए कहा गया है कि उनके राज्य में अमूमन कितनी मात्रा में इन त्योहारों के लिए सामान बनता है। इसके लिए कैट ने अंतिम तारीख 15 जुलाई तय की है। इस प्रोसेस के बाद कैट का डेटा बैंक तैयार होगा, जिसके आधार पर देश भर में मांग और आपूर्ति के बीच एक तालमेल बैठाकर मांग को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। कैट के इस काम में ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन भी साथ दे रहा है। बने सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का जिम्मा ट्रांसपोर्टर्स के शीर्ष संगठन ने अपने सिर पर ले लिया है। सोचिए, भारत जैसे देश के बड़े बड़े त्योहार जिन्हें मनाने वाली इतनी बड़ी आबादी, वो अगर चीन का बहिष्कार कर दे तो चीन की कमर टूट जाना निश्चित है। भारत की तरफ से दी गई चोट को भले ही चीन दिखा नहीं पा रहा हो, लेकिन चीन को जो नुकसान हो रहा है उसका सही आकलन तो चीन खुद ही कर पा रहा होगा। अफसोस की बात यह है कि जता नहीं पा रहा है, जैसे अपने सैनिकों का मारा जाना अभी तक स्वीकार नहीं कर पाया है चाइना।